सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है। मेहनत क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्चुनर में चल रहा होता, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्चुनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले के करता है, कुछ भी करता है। आज ये किताब खरीद लाया, कल वो किताब ले आएगा, फिर एनसीईआरटी ले आएगा, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। मेहनत तो करना ही है, वो उस पर तो बात ही नहीं करनी। बात करनी है मेहनत के कंपनी, एक छोटे से फॉर्मूला, किंग मेकर का फॉर्मूला सो समझ में आया। वो राजा बनाने लगी पूरे भारत में, घूम घूम के राजा बनाया उसने। तीन फॉर्मूले पे भारत पे कब्जा किया था कंपनी ने। पहला फॉर्मूला किंग मेकर, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, और तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीन फॉर्मूले के बल पर देश पर कंपनी ने कब्जा कर लिया था। तो पहला काम आप यही करो, समझो किस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या आवश्यकता है। दूसरा, आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी, कम है बढ़ा लो। भाई पहले दिन जॉगिंग करने जाओगे तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा मन बड़ा एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे बड़ी छोटा सा एग्जांपल है, जब हम स्कूल में थे और क्लास चेंज होती थी, ये थर्ड से फोर्थ में गए, तो जब फोर्थ क्लास की किताबें आती थी नई नई, उस दिन पढ़ने का बड़ा मन करता था। फिर 10 दिन बाद जब वो किताबें पुरानी हो जाती थी तो वही किताबें देखने का मन नहीं करता था। ये मन का नेचर है, एक्साइटमेंट। नहीं नहीं बाइक घर में आई, खूब चलाए 3-4 दिन, बाद में देखने का मन ही नहीं किया। अपनी ताकत क्षमता सबकी बराबर है, कोई कम यूज करता है, कोई ज्यादा यूज करता है। एक साहब का उनकी वाइफ से झगड़ा हो गया, वाइफ ने बेलन लेके दौड़ा लिया और दौड़ाया, और वो भाई साहब जो है कमरे में गए और कमरे में जाके एक अलमारी के अंदर घुस के अंदर से बंद कर लिया। श्रीमती जी ने बाहर से बेलन से पीटना शुरू किया, बाहर निकलो। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा। चिल्लाने लगी तो पास पड़ोस के लोग आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो लेडी ने उस लोगों ने पूछा क्या हुआ बहन जी, बोले ये अलमारी में घुस गए और निकल नहीं रहे। तो आदमी अंदर से चिल्लाया कि आज पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए कि इस घर में किसकी मर्जी चलती है, मैं नहीं निकलूंगा। ऐसी ताकत का क्या फायदा जब तुम अपने आप को दरवाजे में बंद करके और शेर बन रहे हो। क्षमता सबके पास है, ये दो पेट है, मैं बार बार कहता हूं, एक पेट ये, एक ये। तो अगर ये 4 रोटी हजम करता है और पहले दिन तुमने इसे, जितने लोग तैयारी शुरू करते हैं मैंने देखा, शुरुआत में इतना पढ़ना शुरू करते हैं पहले दिन से 10 घंटा 15 घंटा आराम से, आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं कि ये पेट है ना, हजम करना होता है, सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता। मैंने 98% स्टूडेंटों को देखा है, वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ाई मानते हैं। इस हॉल में कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं नहीं पढ़ते हैं। सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, 2-4 होंगे जो अभी नहीं पढ़ते होंगे, बाकी सारे लोग पढ़ते हैं ना। अभी जापान के एक नेता है शिंजो अबे, उनकी हत्या हुई, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है किसी को नहीं पता। अरे भैया हफ्ते भर पहले की घटना है, पता ही नहीं, और अंडरलाइन किए होगे। कितनी बड़ी, कितनी लाइव एग्जांपल देखो।